हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं आरएसटी फैमिली ब्लॉग्स। सो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों पे अपने फैमिली के साथ खुश होंगे। सो गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरे फूफा जो कि गांव जाने की तैयारियों में लगे हैं। गाइस, तो दिखाती हूँ मैं आपको कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, और कब की ट्रेन है उनकी और वापस कब आएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करके बताती हूँ गाइस। तो अभी आप देखोगे ना कि देवांशी भी उनकी हेल्प कर रही है तैयारियाँ करने में, तैयारियाँ इन सेंस बैग पैक करने में देवांशी भी उनकी मदद कर रही है गाइस। तो आपको मैं दिखाती हूँ, बने रहिए प्लीज़। तो गाइस, आप देख सकते हो देवांशी यहाँ पर फूफा का बैग पैक कर रही है। देवांशी देखो, रखते बन रहा है बेटा, हाँ तू कर लेगी। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें ली है फूफा ने, नई नई साड़ी मेरी बुआ के लिए और मेरी एक मतलब बुआ की लड़की है, वो भी शादीशुदा है तो उसके लिए भी साड़ी ली है। फिर पैंट शर्ट लिया अपने लिए, अपने बेटों के लिए। अब ये है मेरे फूफा यहाँ बैठे हैं तैयार वैयार होके, ठीक है तो फूफा अब ज़्यादा बात भी नहीं करते, बहुत कम बात करते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ उनको दिखा दिया आप लोग को। लेकिन फिर भी बताओ फूफा कि कब तक रिटर्न आओगे? 25 तक रिटर्न आ जाओगे? अच्छा, अभी कितने बजे की ट्रेन है आपकी? शाम को 7 बजे की। कितने बजे की? शाम को 7 बजे की। सो गाइस, इनकी ट्रेन जो है वो शाम को 7 बजे की है और एक्चुअली यहाँ से मतलब जाने वाले हैं कुरला, ठीक है। कुरला ही जाओगे ना? हाँ, वही कुरला लोकमान्य तिलक टर्मिनस जो होता है गाइस, वहाँ जाएंगे, वहाँ से ट्रेन बोर्ड करेंगे। तो अभी मतलब कैसा है, अभी लोकल ट्रेन से ही ट्रैवल करेंगे, ये लोकल ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। अभी यहाँ से निकलते भी हैं समझो वो कुछ 1:30-2 बजे, तो आराम से पहुँच जाएंगे वहाँ जाके। इनफैक्ट इनको वेट ही करना पड़ेगा, तो ये बोलते हैं कि वेट कर लो वो चलेगा, लेकिन लेट नहीं होना चाहिए। गाइज मेरा भी एक्सपीरियंस है सच में, दो बार का किस्सा मैं आपको बताती हूँ। एक बार तो ट्रेन हमारी छूट गई थी और आप मानोगे नहीं, मतलब ना मुश्किल से 30 सेकेंड्स की देर हो गई गाइस, 30 सेकेंड्स। और कैसा ना, हम लोग थे, देवांशी भी थी, तो भागना पॉसिबल नहीं था, लगेज भी था हमारे पास। जब हम पुणे रहते थे गाइस, तो पुणे से आ रहे थे देवांशी के बर्थडे के लिए यहाँ मुंबई। सो फिर हम लोग ना मतलब ट्रेन जस्ट आप बोल सकते कि हमने देखी। अच्छा, भर गया क्या? ठीक है, रुक जा। सो गाइज, जैसे हम स्टेशन प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ट्रेन जा रही है, लेकिन अब क्या कर सकते थे। तो एक तो वैसे ड्राइवर में मिल गया था ढीला एकदम कहने का मतलब ये कि उसको मतलब अगर जगह मिलती है तो इंसान फास्ट फास्ट लेके जाता ना, लेकिन वो नहीं, वो आराम से जा रहा है। जब उसको जगह दिखेगी तब वो मतलब क्रॉस करता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, एक तो ये एक्सपीरियंस हुआ गाइज। दूसरा एक्सपीरियंस हमारा फ्लाइट का था, ठीक है। हम ना गांव से रिटर्न आ रहे थे पुणे के लिए गाइस, तो वहां पर भी लेट हो गया, हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी। सिर्फ बोल सकते कि आप 5-10 मिनट की देरी हो गई और हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी गाइस। तो वहां पे क्या हुआ, फिर से हमको आप जानते ही हो, फिर नेक्स्ट डे का शेड्यूल करवाना पड़ा, प्लस उसमें 1800-1800 रुपये का चार्जेस देना पड़ा पर टिकट। खीला बता रही गाइस, खीला उसने ना वहाँ से सिर्फ खींच लिया, वो निकल के इतनी ताकतवर है गाइस देवांशी। सो गाइस, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, इसलिए मैं भी यही बोलूँगी, जो भी स्पेशली ट्रैवलिंग है, अगर टिकट विकेट जो भी आपने लिया है तो टाइम से पहले पहुँच जाए, वो आप वेट कर लोगे चलेगा, बात तो सही है। लेकिन आप ना ये मत सोचे कि यार अभी 2 घंटे ना आराम से निकलते हैं वहाँ जाएंगे, आधे घंटे पहले भी तो हो जाएगा। नहीं, आप वहाँ जाके स्टेशन पर जाके और क्या बोलते हैं एयरपोर्ट पे जाके आप वेट कर लो 1-2 घंटा, वो चल जाएगा। मिस हो गए तो बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस। सो ऐसा किस किस के साथ इंसिडेंट्स हुआ है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देवांशी तब गाइस बहुत छोटी थी, वो सिर्फ 2 साल की थी, उसको कुछ भी याद नहीं होगा इसके बारे में। बोलो, याद है तुझे? हाँ, बता। देखो गाइस, फूफा की तैयारी वापस से, देवांशी ने सारा कपड़ा निकाल के रख दिया ना, अब मेरे फूफा को फिर से रखना पड़ रहा है, तो बेचारे फिर से रख रहे हैं। सो गाइस, देखते हैं फूफा, यही होप करते हैं फूफा अच्छे से सेफली पहुंच जाएं। तो फूफा के लिए
बोलते ना हैप्पी एंड सेफ जर्नी फूफा को बोलते हैं, और फूफा देखते हैं अब कब तक रिटर्न आते हैं। तो बोल तो रहे हैं कि 25 तारीख तक रिटर्न आ जाते हैं। मैंने फूफा से कैसे बता सकते कि पैसे निकलवा लिए, पैसे निकलवा लिए, कितना पैसा दिए फूफा? अरे देवांशी को मिला है विदाई गाइस, देवांशी को फूफा ने दी है 20 रुपीज, जो कि उसके लिए बहुत, अगर वो चिप्स लेना चाहे वेफर्स लेना चाहे तो 5 पैकेट आ जाएंगे उसमें, 5 रुपीज, ओके सॉरी हाँ 4, मेरी मैथ्स कमजोर है, देवांशी की मैथ्स स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है। तो अगर वो चिप्स या वेफर लेना चाहे तो उसे 4 पैकेट मिल सकते हैं उसमें, एंड देन अगर आइसक्रीम लेना चाहे तो दो आइसक्रीम, रजवाड़ी कुल्फी जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। नहीं बेटा अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में। तो गाइज हमारा एक्चुअली ना कहीं जाने का प्लान था बट वो उसमें चेंजेस आ गए तो स्किप कर दिया हमने। अब सोच रहे हैं देखो कब जाते हैं, और कल है देवांशी का ओपन डे तो उस पर भी एक ब्लॉग बना के डालेंगे हम लोग। मैथ्स का मम्मी ने नहीं पढ़ाया था, तो मैथ्स में तो ऑलरेडी आप स्मार्ट है, स्कॉलर है बोल सकते हैं, और मैथ्स पढ़ा हार्ड था। हाँ कोई बात नहीं, सो द गाइस अच्छा है। हाँ देवांशी ग्रेड 1 में है और बोल रहे थोड़ा हार्ड है, अब ग्रेड 2 में जाने वाली है, तो कल ही बुक्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट होंगी जब हम ओपन डे के दिन जाएंगे। सैटरडे को ओपन डे है गाइज उसका, और ये जो ब्लॉग है ये फ्राइडे को बना रहे हैं हम, सो सैटरडे को जो ओपन डे उसका ब्लॉग भी मैं डालूंगी, एंड प्लीज़ हमारा जो ब्लॉग है वो देखें। एंड दूसरी बात गाइज, मेरा एक और चैनल है रेशम सिमेक्सल रेसिपीज, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है गाइज, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएँ और उस लिंक को ज़रूर चेक करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, उस पर मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज अपलोड की हैं इनफैक्ट, और करती रहती हूँ। हाँ तो गाइस, तो गाइस देवांशी रिक्वेस्ट कर रही है कि जिस चैनल पे हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं RSD फैमिली ब्लॉग्स, इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्रिप्शन की कोई चार्जेस नहीं लगते हैं गाइस, तो प्लीज़ किसी की हेल्प और सपोर्ट करने पे तो खुशी मिलती है ना, तो वो हेल्प और सपोर्ट आप कर दें प्लीज़, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें किस किस के साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है जो मैंने बताया कि आपकी मतलब मिस हो जाती है ट्रेन फ्लाइट जो भी है, तो कमेंट करके बताएं। सो गाइस होप हम फिर आएंगे, जल्दी आएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अपने ओपन डे के बारे में, मतलब जो भी क्या हुआ, कैसा पेपर्स था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रोसेस क्या था, कैसा था। सो देवांशी वहाँ पर है, वापस पहुँच गई अपने अड्डे पे, आप देख सकते हो। सो गाइस फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।